एमबीए किया है नॉर्मल कॉलेज से और प्लेसमेंट का लग रहा है बहुत ज़्यादा डर। आपको लग रहा होगा कि मैं अच्छा पैकेज कैसे लूँ और एवरेज कॉलेज से पढ़ाई करके, तो मैं हूँ संध्या, आपके साथ जुड़ी हूँ इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ तीन ऐसे पॉइंट जिससे आपको जॉब तो मिलना पक्का ही पक्का है। पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी कॉलेज से कर रहे हो, आप एमबीए क्यों करने गए हो, सबसे पहले ये सोचो। तो मैंने तो एमबीए इसलिए करी थी कि मेरे को अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूम करनी थी। सेम आपको भी ध्यान देना है, आपको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूम करनी है। दैट मीन्स हम काफ़ी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ईमेल एटिकेट्स भूल जाते हैं, ठीक है, हमें लोगों को ग्रीट कैसे करना चाहिए, बेसिक मैनर्स कैसे होते हैं, तो इन चीज़ों को आप खुद से सीखोगे। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा नौकरी.com और जितने भी सोशल वेबसाइट हैं जहाँ पे हम अपना रिज्यूम डाल सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप नौकरी पर डाल सकते हो, लिंक्डइन पर डाल सकते हो, इंडीड पर डाल सकते हो, monster.com पर डाल सकते हो, ताकि जो रिक्रूटर्स आपको ढूंढ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरा तीसरा पॉइंट, इंटर्नशिप। सब लोग एमबीए करते हो, इंटर्नशिप करने जाते हो, तो हमेशा आप ये मत सोचो कि मुझे कॉलेज पे डिपेंडेंट रहना है इंटर्नशिप के लिए। आप खुद से जाओ, मार्केट को एक्सप्लोर करो, ठीक है। अगर आपको पेड इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो ये मत सोचो कि मैं जाऊंगा नहीं। आपको जहाँ जाना है, जैसे जाना है, आप जा सकते हो, लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं पेड ही करूँगा। आप नॉन पेड इंटर्नशिप पे जा सकते हो। सो दीज आर द थ्री पॉइंट जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस कर सकते हो और लोगों से अलग बना सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ तो होनी चाहिए एक बंदे में जो सबसे अलग आपको बनाता है, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। इनकेस यू हैव नॉलेज, यू हैव एटीट्यूड, यू हैव पर्सनैलिटी, यू कैन डू एवरीथिंग। आपको और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं पर्सनली जाके सबको रिस्पॉन्स करूँगी। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ गए तो मैं वीडियो भी बना दूँगी। सो गाइज, नाउ स्टे कनेक्टेड विद मी। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आपके पास सारी वीडियो जितनी भी आएंगी सबका नोटिफिकेशन आता रहेगा। एंड लाइक तो ज़रूर बनता है यार इस वीडियो पर।